परेशानी बेटा मेरे छोटे से जी। तो प्यारे बहन भाइयों, ये हमारे हमसाये हैं, हमारे भाई भी हैं और मजदूर बंदे हैं बेचारे, भट्टे पे जो है ना ईंट बनाते हैं। बारिशों की वजह से काफी दिन हो गए, तकरीबन कितना हफ्ते थी गन? एक महीने से जो है ना इन बेचारों का काम नहीं चल रहा, बेरोजगार हो चुके हैं और पत्नी किस हालात से जो है ना ये गुजर रहे हैं ये तो खुद ही जानते हैं। तो हमें पता चला है कि काफी दिन हो गए ये बेचारे रूखी रोटी जो है ना खा रहे थे। अल्लाह ताला इनकी परेशानियों को दूर फरमाए। तो ये राशन जो है ना मैंने रखा है इनके लिए, तो ये राशन है आपके लिए और आपने दुआ करनी है सबके लिए जिसने भी इसमें हिस्सा शामिल किया है राशन में, ठीक है? तो हर वक्त उनको जो है ना आपने दुआओं में याद रखना है, ठीक? हाँ, बच्चों से भी दुआ करवानी है, सबसे दुआ करवानी है। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बहन भैया, छाछ मेरी तैयार हो गई है, अब मैं मक्खन इकट्ठा कर रही हूँ। मक्खन इकट्ठा करके फिर जो है ना मैं रोटी लगाने जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल चाल हैं प्यारे बहन भैया? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से, आप सब बहन भैयों की दुआओं से आपका भाई अल्ताफ भी बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हम जो ही वीडियो अपलोड करें फौरन आपके पास पहुँच जाए। तो माशाल्लाह फिर से न्यू सुबह का आगाज़ हो चुका है और आपकी खिदमत में आपका भाई हो गया हाजिर। तो आप सब ने हमारे साथ रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखा करें प्यारे बहन भैया। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होगी इंशाअल्लाह ताला और दुख भी हो रहा है जो सैलाब ज़्यादा बेचारे रोडों पे जो है ना रुल रहे हैं, बच्चे बूढ़े और मैं बहने, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। तो दुआ भी करें आप सब और हमारे साथ रहें, आगे की वीडियो आप सबसे शेयर करते हैं। तो चलें अब चलते हैं वीडियो की तरफ।
ये देखें जी, अब जो है ना बकरी का दूध निकाला जा रहा है। जी तो अब जो है ना आपकी भाभी आटा और दूध लेके आ रही है। अब हम जा रहे हैं तंदूर गरम करते हैं और फिर जो है ना रोटियां लगाएंगे। तो आप सब ने जाना बिल्कुल नहीं है, हमारे साथ ही रहना है, ठीक है जी। परेशानी बेटा, मेरे छोटे रिश्तेदार वाले हैं, उन्होंने सोच के परेशान किया। परेशान ना किया, अल्लाह खैर करे, इसी तरह वीडियो भर दीजिए, पता है अभी बोला तेरी वीडियो बनना। यार बहन भी जब सोचते हैं, जो बेचारे सलाह देता, हमारी मैं बहने रोडों पे पड़े हैं, बच्चे बूढ़े, तो उनके बारे में सोच के जो है ना बहुत टेंशन होती है। अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बेचारे घर से बेघर हो चुके हैं, बस उनके बारे में सोच के टेंशन होती है। अल्लाह हमारे तमाम बहन भाइयों की परेशानियों को दूर फरमाए, हमारी तो दुआ है। और आप सब भी दुआ करें, अल्लाह ताला सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जी तो माशाल्लाह रोटियां जो है ना सारी लग चुकी हैं। मैं बाहर गया था, आपकी भाभी ने जो है ना मशीन चला दी बिजली वाली रोटी लगाने के लिए। आपको तो पता है तनूर कैसे जलता है। चलें जी, सारी लग चुकी हैं, बस हाँ, दो, बस ये तीन बच गए हैं, दो बच्चे हैं। चलें जी जल्दी करें। जी तो रोटियां सारी लग चुकी हैं, अब जो है ना हम जा रहे हैं ओल्ड एज होम पे, तैयारी करते हैं नाश्ता करने की। जिसने करना हो तो आ सकते हैं। जी तो नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखें जी, और हम भी रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। हबीबुल्ला जो है ना सुबह सुबह के टाइम पहले सेब खा रहा है। आज आपने नाश्ता नहीं करना, रोटी नहीं खानी है अभी, हैं? सलाम करो। माशाल्लाह, चलें जी, जिसने आना हो तो वो आ सकते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमने कर लिया है, और आपकी भाभी जो है ना वो चाय बना रही है मेसन और मजदूरों के लिए। वो जो है ना काम पे लगे हुए हैं, ऊपर काम कर रहे हैं, और अब आपको दिखाते हैं कि कितना काम हो चुका है ऊपर का, ठीक है जी। यही आपको दिखाते हैं ऊपर जो है ना कहाँ तक काम हो चुका है, बाकी जो है ना कितना रहता है वो जो है ना आपको दिखाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, बस कंप्लीट जो है ना होने वाला है। आज जो है ना तकरीबन सारी चुनाई कंप्लीट हो जाएगी। बाहर वाली जो दीवारें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, बाकी अंदर वाले जो कमरे हैं ना, ये 4 इंची वाले, अब इनकी चुनाई कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आज जो है ना टोटली कंप्लीट हो जाएगी सारी चुनाई। ये देखें जी, और ये भी बंद करना है। ये देखें जी, ये जो है ना हमारा दोपहर का खाना है, रायता बना के उसके अंदर चूरी कुट के आपकी भाभी खा रही है। ये मजे वाली है। अच्छा खाते हो? जुहर का टाइम है, मैं थोड़ी देर पहले जागा हूँ, थोड़ी देर के लिए सोया था, नमाज अदा कर ली। ये सालन से भी ऊपर है। हाँ जी, ये दोपहर का खाना हमारा ऐसा ही होता है जी। तो आज हम बना रहे हैं मटन, ये जो है ना कहीं से खैरात आई थी, ये बकरे का गोश्त। हाँ जी, वही मटन कहते हैं बकरे को। आपकी भाभी बेचारी बस शादी मुरादी है। ये देखिए सब मसाले जो है ना देगची के अंदर डाल दिए हैं, प्याज टमाटर खुश्क धनिया और सारे मिसाले वगैरह, सब मिसाले जो है ना इकट्ठे मैंने डाल। ये हमारा तरीका है बनाने का। इसको जो है ना फिर चूल्हे पे चढ़ा देंगे, ऊपर ढक्कन बंद कर देंगे, सालन तैयार होगा तो फिर उतार लेंगे।
ऐसा ही है ना? हाँ जी ऐसा। ये जी चढ़ गई देव जी। हबीब जो है ना अपनी बकरी को खोल के चारे के अंदर बांध रहा है। चले कुछ जो है ना ये पेट भर लेगी अपना। जी तो मैं जो है ना इधर बाहर आ चुका हूँ। अंदर जो है ना गर्मी हो रही थी लेकिन बाहर भी गर्मी है। गर्मी जो है ना बढ़ गई। पहले बारिशें लगी रही, गर्मी कुछ कम हो गई थी, जूं ही बारिशें रुकी तो गर्मी तेज़ हो गई है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। और प्यारे बहन भाइयों, आप सब ने कल वाली वीडियो देखी होगी जो सैलाब ज़्यादा लोगों के पास हम गए थे, और वो वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। 46 मिनट की जो है ना वीडियो बनाई हमने, लेकिन फिर मैंने सोचा इतनी बड़ी वीडियो जो है ना सब बहन भाई देखकर बोर ना हो जाएं, तो इसी वजह से मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी, कम कर दी थी, 20 मिनट की वीडियो बनाई। तो प्यारे बहन भाइयों, आप सबसे फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, जो मुखय्यर हज़रात हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त जो है ना उन बेचारों को हम सब की ज़रूरत है। वो बेचारे बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल हैं। कल जैसे वो रो रो के हमसे फरियादें कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे कि हमारी जो है ना कोई मदद फरमाए कमरे के या लैट्रीन की, जिस सूरत में भी। तो अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए सबको, और अल्लाह ताला हमारे रिस्क में भी बरकत अता फरमाए जो हम उनके काम आ सकें। ताकत तो नहीं है हमारे पास, लेकिन जज्बा है दिल के अंदर और सोच भी है। अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। तो उनके बारे में सोच के जो है ना टेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है। कल जो उनके हालात देखे, जो उनकी कैफियत थी, तो वो मैं ही जानता हूँ। जब मैंने देखे उनके हालात तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो प्यारे बहन भाइयों, जितनी भी आप सबके पास तौफीक है तो हम सब मिलजुल कर कोशिश करें, कमरे की छत हो जाए या लैट्रीन है या राशन की सूरत में, जिस सूरत में भी जितनी जिनके पास तौफीक है तो वो कोशिश ज़रूर करें। नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। ये सब आपकी अमानत होगी इंशाअल्लाह ताला, और आपकी अमानत जो है ना उनके हाथों तक हमारा हक है, हम ज़रूर पहुँचाएँगे। आज जो है ना कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं है। कल से जो है ना कुछ बीपी का मसला हो रहा है गर्मी की वजह से। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह ताला कल वाली वीडियो में। हमें रखना दुआओं में याद। अल्लाह निगेबान। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।